का मौका है जिस पे हम यहाँ आपके बीच आए हैं। सभी लोग बाबा गुलाम मोहम्मद जी को खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। मैं भी अपने परिवार की छोटी सदस्य होने के नाते आप सबके बीच आई हूँ। मेरे वाले साहब चौधरी मुनव्वर हसन जी के और बाबा जी के बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने सबसे पहले शायद किसान यूनियन की सदस्यता शामली जिले में ली थी, तो ये ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक मौजूद शख्सियत थे गुलाम मोहम्मद झोला जी, और आज हम सभी यतीम सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कौम की आवाज उठाई बल्कि सामाजिकता का पैगाम दिया। हमारे जो मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब है उसकी वो एक बुलंद आवाज थे, और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो जीवन रहा है, उनका जो संघर्ष रहा है इस समाज के लिए, यहाँ के किसान मजदूरों के लिए, ये आने वाले टाइम तक हमारे बीच एक सबक के तौर पर रहेगा। और आप सबसे और खुद से भी मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, समाज में अमन फैलाने का काम करें और अपनी आवाज बुलंदी से लेकिन एकजुटता के साथ और आपसी भाईचारे के साथ उठाने का काम करें। आज उनके लिए हम यही कर सकते हैं कि उनके दिए हुए पैगाम को हम आगे लेकर चलें, मजबूती से सभी एक दूसरे का साथ दें और आवाज उठाएं। और हमारे जो भाई साहब हैं साजिद अली साहब, उनको अल्लाह मियां यही तौफीक अता फरमाए कि वो भी अपने वालिद साहब की तरह इस मुकाम तक पहुंचे और मजबूती से हम सब की सरपरस्ती कर सके। इसी के साथ मैं अपने परिवार खैराना वालों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हमारे गुलाम मोहम्मद झोला जी को खिराज अकीदत पेश करती हूँ।